आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। मोर कुष्ठ रोग विकृति बचाव शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैमूर में किया गया, जिसमें जिला चिकित्सालय कटनी से आए हुए कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अभ्यास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांगता दूर करने की जानकारी प्रदान की गयी। जिला चिकित्सालय टीम से हम लोग कुष्ठ रोग विभाग से आए हैं जी। वास्तव में कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी तकलीफ होती है मरीजों को, और वह तकलीफ ऐसी होती है कि इसमें हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं। सुन्न पड़ जाने के कारण वो सूखे होते हैं और उनके हाथ और पैरों में कुछ पता नहीं चल पाता, इस कारण वो जल भी जाते हैं, उनमें चोट लग जाती है और उसकी वजह से विकलांगता आ जाती है। तो शासन की ये मंशा है कि इनको ऐसे अभ्यास बताया जाए, ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएं जिससे कि इनकी विकलांगता दूर करने का कोई उपाय किया जाए। इसलिए हम लोग ऐसे शिविर लगवाते हैं, विकृति बचाव शिविर लगवाते हैं, और इस शिविर के माध्यम से इनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो आप हाथ पैरों को अपने कैसे बचाव कर सकते हैं, ज़्यादा आँच से बचाव करना या कि पैरों में कील न गड़े क्योंकि पैर तलवे सुन्न रहते हैं, तो उस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। महिलाएं जो तवे में रोटी बनाती हैं, तवे से हाथ जल जाते हैं, तो उनको बताया जाता है यहाँ पे कि आप सुन्नपन हाथों को किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी विकृति आ रही है उनको एक जलतेल उपचार पद्धति है जो प्रशिक्षण अभी आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, और इसके माध्यम से ये टब और टूल किट्स इनको घर में ले जाने के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है और घर में भी प्रयास किया जाता है कि इसी तरीके से प्रशिक्षण करें जिनमें उनकी विकलांगता नहीं है। उनके RCS ऑपरेशन होते हैं और उसके द्वारा उनकी विकृति को सुधार किया जाता है, उसमें कुछ शासन द्वारा मानदेय भी निर्धारित किया जाता है क्योंकि कुछ रोजी रोटी कमाने वाले होते हैं जी। तो उनको वहाँ पे कुछ राशि भी दी जाती है जब उनका ऑपरेट किया जाता है। अभी आज अस्पताल में मरीज तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए सेलेक्ट उन्हीं मरीजों को करते हैं जिनके हाथ पैर सुन्न होते हैं जी जी। जिनके उंगलियों में टेढ़ापन आना प्रारंभ हो जाता है या जिनमें विकृति आ जाती है, क्योंकि उन्हीं मरीजों को सेलेक्ट करके लगभग ये 20-22 मरीज हम लोग आज यहाँ पे विकृति बचाव शिविर में इनको लाए हैं। यह एक दिवसीय पूरा शिविर है, इनको सुबह का चाय नाश्ता और भोजन ये सब उपलब्ध कराते हैं, और वास्तव में एक बड़े पुण्य का काम है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि दरिद्र नारायण की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा जी जी। तो स्वास्थ्य विभाग में जो कुष्ठ के मरीज होते हैं तो सच में बहुत पीड़ित होते हैं और इनकी सेवा करना सबका दायित्व होता है। कोई भी, मैं आपके माध्यम से NGOs को भी आह्वान करता हूं कि यदि कोई भी इनकी सेवा के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ उपकरण भी होते हैं जिनके हाथ पैर सुन्न होते हैं तो तवे से न जले, तो ऐसे कुछ टूल किट भी आते हैं, ऐसी सेवा करके कई NGOs भी इनको मदद कर सकते हैं, और गवर्नमेंट तो कर ही रही है, हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक इनका बचाव हो सके। सोच है जैसे सभी लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा लगे, आदरणीय दरिद्र नारायण का जो उन्होंने परिचय दिया, सोच से बहुत ही प्रेरित हुई है कि दरिद्र नारायण की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है जो आपसे हमें जान करके मिला ज्ञान, और आप ये सब देख सकते हैं किस तरीके के पेशेंट जो है। तो कुछ चेंजेस आई है? हाँ, बहुत चेंजेस आई है। हाँ जी, ये तो पूरा ये दोनों हाथों में विकृति आ जाती जी जी जी। ये आप खाली इसमें बनाया है, ये सही है। अच्छा, वो सही हो गया जी। इसी क्रिया से इसी मतलब ये बढ़ नहीं पाया। अच्छा, बढ़ नहीं पाया, थम गया। थम गया। और आपको कैसा फील हो रहा, क्या तकलीफ थी आपको? अच्छा, अभी कितने देर से कर रहे हैं आप? अच्छा, तो कुछ आराम होता नजर आ रहा है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और नाश्ते में क्या क्या मिला आपको? अच्छा, आप लोग, आपको जीवन पर्यंत ये अभ्यास घर में सुबह और शाम दो टाइम समय निकाल के करना ही है।
तब जाके आप विकृति आने से बच पाएंगे। नहीं आपको विकृतियां यानी विकृतियां आने के बाद आप कोई काम करने की असमर्थ है। तो आप लोगों को पहले एक हाथ पटे पे दाया हाथ अगर रखना है तो सब लोग दाया हाथ रखिए, पटा सामने अपने अपने रखिए, है ना, सीधा हाथ रखिए और ऊपर से ऊपर ऐसे हाथे भी रखिए, ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे इसको यहाँ तक आखिरी तक ले जाना है। एक ऐसा करने के लिए सत्रह आसानी से 15 से 20 बार किया, इसके बाद हाथ को फिर पलटा लीजिए, पलटा लीजिए, पलटाने के बाद फिर से वहीं से शुरू करना है। एक दो